आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी फूले फूले भटूरे। आमतौर पे भटूरे मैदे के से बनते हैं। हमने भी ये भटूरे बनाए हुए हैं, उसका वीडियो लिंक स्क्रीन पे दिया गया है, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आज जो हम भटूरे बना रहे हैं वो गेहूं के आटे से बनाएंगे। इन्हें आप जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम भटूरे के लिए डो तैयार करते हैं। ये हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। ये 1/4 टीस्पून से भी कम मीठा सोडा है, ये डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को हमने दही के साथ ही गूंथना है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके दही डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे और इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। हमारा रफ डो बन गया है। हमने 1 कप दही लिया था, ये होममेड है दही, तो इसमें से देखिए 2 टेबलस्पून बचा है खाली, बाकी सारा दही इसमें इस्तेमाल हो गया है। इसमें हमने पानी जरा भी नहीं ऐड किया। अब हाथों को हल्का हल्का पानी लगा के इसे अच्छे से नीड कर लेंगे। इतना ही टाइट हमें डो चाहिए, ज्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए। अच्छे से अब इसे नीड करेंगे। आटे का टाइट डो तैयार हो गया है, ये देखिए इतना टाइट होना चाहिए। हमने आटे के अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ दही से ही इसे गूंथा है। सिर्फ गीले हाथ करके इसे अच्छे से नीड किया। 3-4 मिनट हमने अच्छे से इसे नीड कर लिया है। जैसे जैसे मैंने आपको जो जो टिप्स बताए हैं तो आप अगर फॉलो करोगे तो आपके भी भटूरे ऐसे ही अच्छे बनेंगे। तो अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। ऊपर थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि ऊपर इसके पकौड़ी ना जमे और ऊपर गीला कपड़ा उससे ढक देंगे, गीले कपड़े से, और इसे 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। डो को रखे 4 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए थोड़ा फूल गया है ये। अब इसको एक बार फिर से नीड कर लेंगे हल्का हाथों को पानी लगा के। तो चलिए भटूरे बनाना शुरू करते हैं। तेल को हमने गरम होने के लिए रख दिया है। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक भटूरों को बेल के रख लेते हैं। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। हाथों को थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे। एक पेड़ा लेंगे, जितना बड़ा आपको चाहिए उस साइज का उतना ही लें। गोल करेंगे पेड़े को, फिर से थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेलना, थोड़ा मोटा ही रखना है क्योंकि भटूरे मोटे ही होते हैं, थोड़े पूरी की तरह पतले नहीं होते। इसी तरह बाकी के भी जितने हमें चाहिए बेल के रख लेंगे। तेल गरम हो चुका है और हमने भटूरों को भी बेल के रख लिया है। चेक करते हैं, ये देखिए तेल गरम हो चुका है अच्छे से। डो ऊपर आ गया जो हमने थोड़ा सा बीच में डाला था। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। अब एक एक भटूरा डाल के उसे फ्राई करते जाएंगे। साइड से हल्के से इसे प्रेस करेंगे और साथ में इसे पलटी कर देंगे। गैस को हमने मीडियम पे रखा है। और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने पे इसे नीचे उतार लेंगे। देखिए दोनों तरफ से भटूरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, साइड में करके इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के भटूरे भी फ्राई कर लेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, गेहूं के आटे के भटूरे। ये देखिए कैसे फूले फूले भटूरे बने हैं। इसे हमने
काबुली छोले के साथ सर्व किया है। ये छोले भी होममेड हैं, इनका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और साथ में हमने लच्छा आंवले का अचार भी रखा है, ये भी होममेड है, इसका भी वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।